पास ये रहा रामलाल, साथ साथ में आया है खेत। सही राजा, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ खेत साइड, और खेत में आया है ट्रैक्टर किशोर भाई लेके आए हैं, तो हल चलवाने जा रहा हूँ क्योंकि एक दो दिन में हम लोग को रोपाई स्टार्ट करना है क्योंकि धान रेडी हो चुका है रोपा लगाने के लिए। और यहाँ है धान और इधर रहर लगा है और आगे है खेत, तो वहीं जा रहा हूँ। किशोर को पहले भेज दिया हूँ और धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस, पानी तो आ नहीं रहा है। ट्यूबवेल का पानी लगाकर ही हम लोग खेती करेंगे अगर पानी नहीं आता है तो। और ये देखिए ट्यूबवेल से पानी चल ही रहा है और ये धान रेडी हो चुका है रोपा लगाने के लिए। ये देखिए ये रहा ये, इधर घेरा लगा दिए हैं गाइस ताकि कोई बैल ना आए धान को खाने के लिए। और उधर गड्ढा है, इसी खेत की जुताई करना है। ट्रैक्टर आगे से आ रहा है और खेती किसानी का काम तो चालू हो चुका है। थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसके बाद सब सही हो जाता है, तो ठीक है खेती बाड़ी का काम करवाते हैं जल्दी से और आपको डेली ब्लॉग मिलेगा उसके बाद। ये रहा गाइस, ट्रैक्टर आ चुका है हल जोतने के लिए और आगे वाला खेत में जा रहा है, फिर इसमें आएगा और बाकी खेत उधर है तो उधर का भी अभी जुताई करवाऊँगा भाई से। चल चालू हो जा, देखिए चालू हो चुका है जुताई। इधर भी बाड़ी में धान है देखी गई, तो उधर हल चला रहे हैं पापा और इधर खेत को मैं जोतवा रहा हूँ ट्रैक्टर से। डूड दूर जुताई कर रहा है राजा, तो जल्दी फास्ट फास्ट। मैं अभी आपको कुआं दिखाने वाला हूँ जिस कुआं में हम लोग नहाते हैं जब काम चलता है उस समय, जो कि खेती बाड़ी का समय, जो खेत में धान उन लगाते हैं उस समय काम करके इस कुआं में नहाते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसी में बहुत नहाते हैं। अभी जैसा काम चालू होगा उसके बाद नहाना चालू कर देंगे। अभी थोड़ा गंदा पानी है क्योंकि नया नया पानी गिरा है ना, तो उसके चलते कुआं में गंदा पानी हो गया है। और इधर धान लग चुका है, ये देखिए रोपा लग चुका है इधर और हम लोग का धान चालू होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, कोई नहीं आगे तो जुता ही रहा है। अब मैं थोड़ा कुदार लेके फौड़ा लेके आया हूँ, जो खेत का मेड़ में नली रहता है उसको पैक करने के लिए ताकि पानी डालेंगे तो आगे ना आ जाए दूसरे खेत में। तो ठीक है चलता हूँ पहले काम करता हूँ। और ये रहा रामलाल, साथ साथ में आया है खेत। सही राजा, चल आ रामलाल, घर की रखवाली करता है रामलाल, गैरेज में रहता है गैरेज में ताकि कोई चोरी ना हो। अभी गाइस मैं पेड़ में चढ़ा हुआ हूँ और भाई तो हल तो चला ही रहा है क्योंकि छाया नहीं था, जो छाया था खेत में था और खेत में ट्रैक्टर चल रहा है इसके चलते मैं पेड़ में चढ़ गया। और ये वाला पेड़ है तेंदू, हम लोग का एक लौता तेंदू का पौधा आसपास में खेत में ही है और आगे से ट्रैक्टर आ रहा है। रामलाल खेत में ही बैठा है, उसको भागना पड़ेगा अभी। ये देखो ट्रैक्टर आ गया, और मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा है तेंदू के पेड़ में। और ये वाला तेंदू फलता नहीं है, आज तक एक भी फल नहीं खाया हुआ है। तो ठीक है कोई नहीं, फाइनली अभी खेत साइड है और मैं ब्लॉग बनाने के लिए भूल गया था, बहुत सारा काम किया लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया। और पीछे साइड ट्रैक्टर जोत ही रहा है, खड़ा है। और ये तालाब है, तालाब में पानी कम है तो इसमें ट्यूबवेल का पानी डालना पड़ेगा। और उधर हम लोग पाइप लगा लिए हैं खेत में पानी डालने के लिए क्योंकि पानी गिर नहीं रहा है और धान लगाने का टाइम भी हो चुका है। ये देखिए ट्यूबवेल, ये पानी जा रहा है यहाँ से, रात भर में खेत में हो जाएगा।
और इधर पूरा हम लोग का खेत है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इधर है पूरा, तो सभी में लगाना है गाइस। और जैसे पानी गिरता है तो हम लोग काम बहुत फास्ट होगा, एक सप्ताह के अंदर काम करके फिनिश कर देंगे, बस पानी गिरे। ये देखिए ये वाला भी खेत, इसमें लगेगा जीरा फूल। और हीरो इसका क्या नाम है तेरा बता? संदीप। स्कूल स्कूल जाता नहीं है लड़का, इसका नाम लिखवाना है फिर से। और ये रहा गई इस 1 वोल्ट का हम लोग के खेत में, इसमें पानी चल रहा है अभी। और यहाँ थोड़ा गड्ढा है यार, जेसीबी का काम किया हुआ है। और उस साइड भी खेत में 1 वोल्ट है, यहाँ भी 1 वोल्ट है, एक बाड़ी में है घर में। और इसको टाइट करना पड़ेगा थोड़ा, टाइट कैसे करें अभी देखी गई। सभी हम लोग ना खेत में जितना पत्थर वत्थर है, कूड़ा करकट है, जैसे कि कांच उच ना हो, वो सबकी साफ़ सफाई कर रहे हैं अभी। और वो देखिए खेत के बगल बगल में जुताई हो जा रहा है, कीचड़ हो जाएगा चिकल, मतलब कि जब रोपा जगाने के समय दिक्कत ना हो, पैर और कटने का दिक्कत ना हो। जैसे कि ये सब पन्नी वन्नी फेंक रहे हैं निकाल के। और ये डिब्बा को, और यहाँ पत्थर वत्थर है टिफिन, इसको देखिए इसमें पैर कट सकता है खेती बाड़ी के समय। ये क्योंकि कीचड़ में दिखेगा नहीं ना, तो ये सब हटाना पड़ता है। गाइस फाइनली खेती उत्ती का जो जोताई चल रहा था, जोताई वोताई हो गया है, और अभी घर जाने का टाइम हो गया। और अभी मैं अपने बड़े पापा के यहाँ हूँ, और करौंदा का फल दिखाता हूँ मैं आपको बाड़ी में। अंधेरा अंधेरा आ रहा है यार बहुत ज़्यादा, बटवाए। ये देखिए करौंदा लगा है पूरा, किसी को खाना है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाक से। ये कच्चा है और ये पक्का हुआ है, पक के काला हो जाता है वो भाई। ये देखिए ये पका हुआ है और एक नहीं पका हुआ है, एक कंचा है कच्चा, और पूरा करौंदा ही करौंदा फला हुआ है। 2 पेड़ है और उधर आम का पेड़ है, और इधर खेत लगा हुआ है, इसमें धान है, बिंडा लगाना है, रोपा लगाना है, और काफ़ी अच्छा है। उधर केला उला है, नींबू भी फला हुआ है। तो गाइस ना हम लोग का जितना खेत था सब जोता चुका है, और फाइनली अभी 2 बज चुका है, और सुबह नौ बजे से काम चालू था। और तो ठीक है, अब मौसम तो ख़राब है, देखते हैं पानी गिर जाए तो अच्छा है, और फटाक से रोपा लगाने का काम चालू कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ट्रैक्टर खेत से वापस जा रहा है, नांगर जोताई करके देख सकते हैं कितना डेंजरस होता है। धीरे धीरे चढ़ रहा है, चल 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 वापस आ रहा है, वापस फिर से कोशिश जारी कर। कितना डेंजरस होता है गाइस देखिए, ओ भाई साहब, हाँ थोड़ा सा और, चढ़ गया। दोस्तों फाइनली हल चलवा के खेत से आ चुका हूँ, और अभी घर में आ गया, और पानी के इंतज़ार रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।